ऐसी है तीन तलाक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाली शहब बानो की कहानी। तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। बेंच के 3 सदस्यों ने तीन तलाक असंवैधानिक करार दिया है। इन सब के बीच तीन तलाक को लेकर शहब बानो प्रकरण को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इंद दौर की रहने वाली शहब बानो पहली महिला थी जो तलाक के खिलाफ कोर्ट पहुंची थी और कानूनी लड़ाई लड़ी जीती भी, लेकिन राजीव गांधी सरकार के एक फैसले ने उसे उसके हक से दूर कर दिया। इस प्रकरण के बाद भारत की राजनीति के समीकरण ही बदल गए थे। ऐसी है शहब बानो की स्टोरी। इंदौर की रहने वाली 5 बच्चों की माँ शहब बानो को उसके पति मोहम्मद खान ने 1978 में तलाक दे दिया था। मुस्लिम पारिवारिक कानून के अनुसार पति पत्नी की मर्जी के खिलाफ ऐसा कर सकता है, लेकिन बच्चों और खुद के भरण पोषण के लिए शहब बानो ने तलाक के खिलाफ आवाज उठाई और हक मांगने अदालत जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल तक चले केस के बाद फैसला शहब बानो के पक्ष में सुनाया। खुने पति को शहब बानो को भरण पोषण के लिए भत्ता देने का आदेश दिया। केस जीतने के बाद भी नहीं मिला हक शहब बानो के पक्ष में आए इस फैसले का मुस्लिम समाज ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध स्वरूप ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई और सरकार को देश भर में उग्र आंदोलन की धमकी दी। इनकी धमकी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी मांगे मानते हुए 1 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट के धर्मनिरपेक्ष निर्णय को उलटने वाले मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 को पास करा दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस कानून के बाद शहब बानो को उसका हक नहीं मिल पाया। पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी बुक में किया था शहब बानो प्रकरण का जिक्र। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 में शहब बानो प्रकरण का जिक्र किया है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस फैसले को बड़ी गलती बताया है। किताब में उन्होंने लिखा है कि इस मामले में राजीव के फैसले से उनकी आधुनिक छवि पर गहरा धक्का लगा था।